उट द टर्मीनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेवल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस डेट देन वी विल डिफाइन रैशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप ठीक है या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे ठीक है अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि वो रिकरिंग भी हो सकते ठीक है अब देखिए ये तीनों टर्म्स है क्या टर्मिनेट का मतलब होता तो है खत्म हो जाना रुक जाना ठीक है तो इससे याद रखना है कि टर्मिनेशन का मतलब ये होगा कि वो रेशनल नंबर फाइनाइट होगा ठीक है जब आप उस रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे ना तो जो आंसर है वो टर्मिनेट हो रहा है क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल आप देखें एक रेक्शनल नंबर डिफाइन करें लेट सी वन बाई टू जरा इसको सॉल्व यूजिंग कैलकुलेटर यू विल फाइंड आंसर तो आप देख सकते हैं जीरो है? आंसर है ठीक है लेकिन अगर आपसे कहा जाए थ्री फाइंड आउट करें ठीक है तो वन बाई थ्री जरा यही से हम देख लेते हैं पॉइंट लगा के आप जीरो लगाएंगे थ्री थ्री जार नाइन अगेन थ्री थ्री जार नाइन वन आ रहा है अब देखिए हमें यहाँ से समझ आ रही है कि ये कंटिन्यू रहेगा आंसर मतलब यहाँ पे अप टू सॉन की फॉर्म में थ्रीज ये हम हमेशा लेते रहेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है अब देखिए जब हम इसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट द वो डेसिमल पार्ट इज इंपॉर्टेंट हेयर ठीक है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा गया है जिसमें आ रहा है ठीक है डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो आपने याद रखना है ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है ना इसको हम हमेशा इंटेग्रल पार्ट कहते हैं और ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इंक्लूडिंग पॉइंट होती है उसे हम हमेशा डेसिमल पार्ट कहते हैं ठीक है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद Uh, जो वैल्यू uh, है उससे हमने हमेशा डेसिमल पार्ट कंसिडर करना है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये है कि द डेसिमल फ्रैक्शन आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट तो मतलब जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं अगर उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल वन बाय टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड ठीक है अब पॉइंट लगाना पड़ेगा और आप इसको सॉल्व करें टू फाइव गेट आंसर जीरो मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो आप इसी को जरा डेसिमल फॉर्म में लिखें यू विल गेट आंसर जीरो पॉइंट फाइव तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं फाइनाइट आ रहे हैं फाइनाइट का मतलब है हमें पता है कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं मतलब आपके पास ये अप टू सोवन की फॉर्म में नहीं है इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मतलब ये जो वन बाय टू है वो टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन है अब हम एग्जाम्पल टू लेते हैं लेट सी वी हैव अ नंबर ठीक है अगेन वी विल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन फाइव वन साइव यू विल गेट आंसर फोर हेयर बट आप पॉइंट लगा के जीरो लगाएं फाइव एट सा फोर्टी रिमाइंडर इज जीरो जज कर सकते हैं कि ये आंसर हमारे पास टर्मिनेट हो रहा है मतलब स्टॉप हो रहा है इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट के वो फाइनाइट आ रहे हैं इसका मतलब है ये डेसिमल फ्रैक्शन है अदरवाइज जब आपके पास पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे होंगे अगर वो इनफाइनाइट हों तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है हेयर वी विल डिस्कस दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग ठीक जब हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसीबल फ्रैक्शन के बारे में देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द डेफिनेशन जब हम किसी भी रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर है फाइव बाय टेन ठीक है अब देखिए अगर आप फाइव को टेन से डिवाइड करते हैं ना तो पॉइंट लगा के जीरो लगाना पड़ेगा टेन फाइव सा फिफ्टी आप देख सकते हैं रिमाइंडर जीरो आ रहा रिमेंडर जीरो तो आ रहा रहा है 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 जब रिमाइंडर जीरो तो का आंसर क्या अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो टर्मिनेटिंग है मतलब ये अगर स्टॉप हो रहे हैं या अगर ये फाइनाइट है फाइनाइट का मतलब है अगर हम इनको काउंट कर सकते हो तो जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है ठीक है लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं सी वी हैव वैल्यू टू को नाइन से डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट पॉइंट हेयर एंड मार्क्स जीरो आंसर टू रहा है अगेन हमें जीरो लगा के सॉल्व करना चाहिए 92 टू जा एटीन यू विल गेट टू अगेन टेक जीरो हियर एंड 92 टू जा एटीन सिंप्लीफाई करें यू विल गेट आंसर टू आप देख सकते हैं रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा और फिर हमें इसी टू से कंफर्म है कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाद इन फाइनाइट नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे इट मीन्स टू बाई का जो आंसर आ रहा है वो जीरो टू 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 अपू सो ऑन की फॉर्म में आ रहा है अब आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो स्टॉप uh, नहीं हो रहे ठीक है मतलब वो फाइनाइट नहीं है मतलब वो नॉन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ठीक है इसके लिए जो टर्म यूज होती है ना वो होती है इनफाइनाइट है जब आपके पास इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये वाली जो फ्रैक्शन uh, है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ठीक है तो यकीनन आप क्लियर हो गया होगा कि ऐसी फ्रैक्शन जिसको सॉल्व करने से टर्मिनेटिंग आंसर आए टर्मिनेटिंग तभी आंसर आएगा जब आपके पास रिमाइंडर जीरो आ जाए ठीक है लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो ऑब्वियसली हमें क्लियर होता है कि उसमें जो टर्म्स आ रही है वो स्टॉप नहीं हो रही मतलब वो क्वेश्चन अगेन एंड अगेन सिंप्लीफाई होता जा रहा है इसका मतलब है कि वो नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल डेमें इट्स नॉट नेसेसरी कि टू पॉइंट के बाद टर्म्स आ रही है उनको हमेशा रिपीट ही होना चाहिए जरूरी नहीं है कि वो टर्म रिपीट हो रही हो, बल्कि ऐसा भी पॉसिबल है डिफरेंट आंसर आए ठीक है जिससे बहुत कॉमन हमारे पास एक नंबर है पाई जिसको हम ट्वेंटी टू बाई सेवन करते हैं ठीक है थीके? आपने देखा होगा कि जब भी हम इस ट्वेंटी टू बाई सेवन की जगह पाई की वैल्यू जैसे पाई या तो ट्वेंटी टू बाई सेवन की इक्वल है नोमैरिक वैल्यू में लेकिन हम अप्रॉक्स करके इसको थ्री पॉइंट होते हैं तो आज हम चेक करते हैं कि ट्वेंटी की जो वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है और ये हमने कैसे ले है तो यहां पे ट्वेंटी टू को आप अंदर रखिए और सेवन से डिवाइड करें इट पॉइंट लगा के हमें मजीद सॉल्व करना चाहिए सेवन सेवन विल गेट थ्री आंसर हियर अगेन यू विल कुर सेवन फोर जवेंटी एट जीरो सेवन टू जोरो अब देखिए यही तक हम आंसर स्टॉप करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हमने इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया है तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं आया मतलब आपने थ्री तक सॉल्व किया लेकिन अभी भी हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिला ठीक है तो इसका मतलब ये है कि ये जो तो ट्वेंटी टू बाई सेवन वैल्यू आ रही है वो थ्री पॉइंट वन फोर तो टू अपू सून की फॉर्म में आंसर आ रहा है ठीक है तो जो आपके पास ट्वेंटी टू बाई सेवन है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है अच्छा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हम वैल्यू लिखते हैं वो थ्री पॉइंट वन फोर लिखते हैं जब भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आता है तो हमारी कोशिश होती है हम उसको राउंड ऑफ कर लें, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये तो फोर है हम तक, मतलब है? तक हमने आंसर को स्ट्रिक्ट करना है इट मीन थ्री पॉइंट वन लिखे फोर के बाद वाला डिजिट देखें अगर वो फाइव या फाइव से ग्रेटर हो तो प्रीवियस डिजिट में हमेशा आपने वन ऐड करना होता है लेकिन अगर वो लेस हो फाइव से तो वो नंबर आपने एज इट इट इज लिख देना आंसर है वो आ रहा है ठीक है इन क्वेश्चंस में आपने राउंड ऑफ भी करना ये एक एडिशनल स्टेप है जो मैंने आपको जस्ट इसलिए समझाया कि मेजोरिटी हम पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर पुट करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक है हमने खुद अपनी आसानी के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसको टर्मिनेट खुद से किया हुआ है मतलब तो उसको हमने राउंड ऑफ खुद से किया हुआ है Here is the quiz for you. Solve these MCQs and mark correct option here.